आ गए और मैंने टिकट ले लिया, ये एक टिकट 2500 रुपए। हेलो एवरीवन, तो आज हम आए रेजिडेंसी। तो यहाँ पे जो टिकट का प्राइस है वो 2500 रुपये है पर पर्सन, जिसमें म्यूज़ियम भी इंक्लूडेड है। और अगर आप फॉरेनर हो तो आपको 300 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये जो स्टार्टिंग में गेट दिख रहा है, इसका नाम बेली गेट है। इसका कंस्ट्रक्शन करवाया था यहाँ के नवाब सादत अली खान ने, इन द ऑनर ऑफ यहाँ के ब्रिटिश कैप्टन, जिनका नाम था बेली गार्ड। इसलिए इस गेट का नाम भी बेली गार्ड गेट ही रखा गया था। वैसे तो इसका जो निर्माण था वो शुरू करवाया था यहाँ के नवाब आसिफ़ुद्दौला ने, लेकिन लास्ट में ख़त्म करवाया था यहाँ के नवाब सादत अली खान ने। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा एरिया में है, यहाँ पे सब कुछ है। मतलब इसको जो बनवाया था वो ब्रिटिशर्स को ऑनर में बनवाया था, उनकी मेहमान नवाजी में बनवाया था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि यहाँ के नवाबों को सबको डोमिनेट करना शुरू कर दिया, जिसका रिज़ल्ट क्या हुआ 1857 की रिवॉल्ट और ये सब। तो ये जब शुरू में कितना ज़्यादा सुंदर होगा, कितना ज़्यादा लग्जूरियस होगा, कितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ उनको दी गई होंगी, ये हम इसके बचे खुचे पार्ट को ही देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो ये जो एरिया है ये नेटिव हाउस का है। तो यहाँ पे जो बोर्ड है ये यहाँ के ऑफिसर के ऑनर में लगवाया था। और इसका जो सिंबल है उसमें लाइन की गर्दन भी टूटी हुई है, मतलब ऑब्वियसली वो डिस्ट्रॉयड हुई थी वॉर में। तो जो एरिया है ये काफ़ी बहुत ज़्यादा बड़ा है, स्पेशियस है, बिकॉज यहाँ पे ऑफिस वगैरह होगा। बट कितना ज़्यादा अच्छा होगा वो हम देख के इमेजिन कर सकते हैं। और ये थोड़ी ऊँचाई पर रेजिडेंसी बना हुआ है, तो अभी हम थोड़ा सा ये टीला टाइप का है, ये चढ़ के हम ऊपर जा रहे हैं। तो ये है असली प्रूफ रिवॉल्ट का, ये गोलियों के निशान और तोप के गोलों के निशान। तो जब ये रिवॉल्ट हुआ था तो इसके अंदर अप्रॉक्स 3000 कुछ लोग थे, जो कि ऑलमोस्ट सभी मारे गए थे। और उन सब की कब्र इसी रेजिडेंसी में ही है। ये रेजिडेंसी कैसरबाग में है, तो आप यहाँ किधर से भी आ सकते हो, आपको यहाँ पर आने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही मेन एरिया में ये लोकेटेड है। बाकी ये जो तोम जैसा स्ट्रक्चर है ना, इसका मेन यूज़ क्या था ये मुझे भी नहीं पता, बट इसके अंदर जाके इतना लगा कि यहाँ से छुप के हम रेजिडेंसी को चारों तरफ से देख सकते थे। तो शायद ये इसीलिए यूज़ होता हो। और ये यहाँ की मेन रेजिडेंसी की बिल्डिंग है। तो चलिए अंदर चल के इसे एक्सप्लोर करते हैं और इमेजिन करते हैं कि 1857 के पहले ये कैसी लगती होगी। यहाँ की एक एक दीवार आज भी 1857 के रिवॉल्ट की याद दिलाती है, और हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कितनी ज़्यादा मेहनत की थी, कितना ज़्यादा सैक्रिफाइस किया था हमारे देश के लिए, ये यहाँ जाके हमें रियलाइज़ होता है। यहाँ की एक एक वीराना दीवार हमारे फ्रीडम फाइटर्स की बहादुरी की निशानी है। जब रिवॉल्ट हुआ था तो जो ब्रिटिशर्स थे वो इस रेजिडेंसी के अंदर 40 दिन तक बंद हुए थे। तो हम समझ सकते हैं कि कितने खौफ में थे वो सब। यहाँ के रास्ते भी किसी भूल भलाई से कम नहीं है, लेकिन जो भी हो हर रास्ता बाहर जाके गार्डन की तरफ ही खुलता है। तो ये यहाँ पे तोपें लगी हुई हैं। हमें तो ये जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, वैसे शहर से ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन ये इतना बड़ा है ना कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा शांति लगती है। यहाँ आराम से आके अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, बैठ सकते हो। तो अभी हम सीढ़ियाँ चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं। वैसे यहाँ फर्स्ट फ्लोर का कुछ है नहीं, सिर्फ ढांचा ही बचा हुआ है। तो हम जाके थोड़ी सी मस्ती करते हैं।
तो ये जो सामने सीढ़ियाँ दिख रही हैं ना, ये 18th century की बिल्कुल भी नहीं है, ये अभी जल्द की बनी हुई है। तो अभी हमें सामने वाली बिल्डिंग में जाने वाले हैं। तो ये बिल्डिंग जो है वो म्यूज़ियम की है और इसका गेट आगे की तरफ से है। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये ब्रेली स्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ है। चलो, और ये खूब सारी तोपें रखी हुई हैं। तो अभी हम म्यूज़ियम के अंदर जा रहे हैं। इस जो म्यूज़ियम में है ना, इसमें बहुत सारी शिलालेख, पुरानी पेंटिंग्स, कागज, बंदूकें, तलवार और यहाँ के मॉडल्स, मैप, सब कुछ इसमें इसके अंदर रखा हुआ है। और ये जो है, ये यहाँ का पूरा मैप है कि इसमें इसके अंदर क्या क्या था इस रेजिडेंसी में। यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ही ज़्यादा है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे आपको, और कुछ पेड़ तो बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं। ये जो एरिया है ये तो कुछ ज़्यादा ही अबंडेंट टाइप का लग रहा है। और यहाँ पे एक मज़ार भी है और इस साइड ही कब्रिस्तान है, तो हम उस साइड तो नहीं गए, बट ये एरिया पूरा लॉक्ड लग रहा है, यहाँ पे अंदर भी नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पे द्रक्षा को कुछ दिखाया, तो वो वही मुझे दिखाने के लिए बुला रही है। तो वैसे तो यहाँ पे कुछ खास नहीं थे, बस यहाँ पे कुछ अगरबत्ती के पैकेट्स वगैरह पड़े थे जो कि एकदम फ्रेश लग रहे थे, न्यूली यूज थे। बट ये पूरा एरिया लॉक था, तो पता नहीं कौन किधर से गया। और यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भाई साहब बहुत ही अच्छा था, मतलब बहुत ही वेल प्लान्ड बनाया था इसे। तो ये यहाँ का भोजशाला, मतलब बैंक्वेट हॉल है। ये सच में देखने में बहुत ही ज़्यादा रॉयल लग रहा है, भले ही अब ये पूरा अबैंडेंड हो, बट यहाँ आके हम इसकी रॉयलिटी फील कर सकते हैं कि अपने टाइम में कितना अच्छा होगा और कितना ज़्यादा लग्जूरियस होगा, और यहाँ पे कितने अच्छे से लोगों को सर्व करते होंगे। यहाँ की स्पेशल बात मुझे ये लगी कि दरवाजे के सामने दरवाज़ा है, मतलब एकदम रो में आप चले जाओ। और ये यहाँ का फेमस संगमरमर की फर्श वाला फवारा है। इसके दोनों तरफ थिएटर्स बने हुए हैं और ये सीढ़ियाँ हैं, ये ऊपर की तरफ जाती हैं। मतलब जब यहाँ पे लोग डिनर करते होंगे तो शोज़ वगैरह भी होते होंगे। तो अभी हम पूरा घूम चुके हैं, तो एट लास्ट हमने थोड़ी सी बातें की और अपना टाइम स्पेंड किया। और आपको ये जगह कैसी लगी हो ज़रूर कमेंट करके बताना, और आप भी यहाँ ज़रूर आना। फॉर मोर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।